अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गाजर के केक की रेसिपी, क्योंकि गाजरें हैं सीजन में और उनका हम मज़ेदार सा केक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केक पैन तैयार कर लूँगी जिसमें मुझे केक को बेक करना है। इसमें मैं पहले लगाऊंगी ऑयल, ये मैंने ब्रश के साथ ऑयल लगा लिया, साइड्स पे भी और इसके पेंदे में भी। इसके ऊपर हम लगा देंगे हल्का सा, छिड़क लेंगे मैदा ताकि हमारा केक पैन से ना चिपके। तो ये जनाब केक पैन हमारा तैयार है, इसको साइड पे करेंगे और अपने केक का बैटर तैयार करेंगे। तो ये जनाब मेरे पास चार अंडे हैं जिनको मैं सेपरेटली इस बॉल में तोड़ूंगी ताकि अगर कोई अंडा खराब निकल आए तो हमारे बाकी के अंडे जाया ना हो, और इसको इस बड़े बॉल में डाल दी जाऊंगी। अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं, ठंडे अंडे नहीं लेने वरना आपका केक का बैटर सही तरह से एक जैसा मिक्स नहीं हो पाएगा और केक में वो टेस्ट नहीं आएगा। कभी भी आप कुछ भी बेक कर रहे हो तो बेकिंग के दौरान आपकी हर चीज एक ही टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब आप स्पेशली चॉकलेट केक बना रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप गर्म चीजें डालते हैं, गर्म पानी या गर्म कॉफी मिक्स करते हैं, वो हेल्प करता है कोको पाउडर को ब्लूम करने में, उसकी अलग बात है। लेकिन रूटीनली जो आप केक्स बनाते हैं उनकी सारी चीजें एक ही टेम्परेचर पे रखा करें। केक हमारा बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बनकर तैयार होने वाला है। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है और इंशाल्लाह बहुत मज़े का केक बनेगा। ये थोड़ा बड़ा केक है, अगर आप इसको छोटा बनाना चाह रहे हैं छोटे साइज में तो आप चीज़ें हाफ कर सकते हैं और ये हाफ बहुत इजीली हो सकता है। आप चार की जगह पे दो अंडे ले लें और बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी इसी तरह से हाफ कर लें। ये मेरे पास 2 कप चीनी है, पिसी हुई चीनी हमेशा पिसी हुई इस्तेमाल करें वरना वो आपके केक में मिक्स नहीं होगी और केक के नीचे बैठ जाएगी। ये 2 कप या मैंने डाल दी इसमें 400 ग्राम्स चीनी, इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगा 3/4 कप ऑयल। ये देखें 3/4 कप ऑयल है। ऑयल ऐसा यूज करें जिसकी अपनी कोई स्पेशल स्मेल ना हो ताकि वो आपके केक में उसकी बाद में एट दी एंड स्मेल नहीं आएगी। इसको आप मिक्स कर लें और इस केक में कोई भी आपको बीटिंग का काम नहीं करना, बहुत सादा सा प्रोसीजर है। आप आराम से ये केक 10 मिनट में मिक्स कर सकते हैं, 10 मिनट भी इसके लिए ज्यादा हैं अगर आपने चीजें तैयार की हुई हैं पहले से तो, या 5 मिनट में इसकी मिक्सिंग का काम कर सकते हैं। केक पैन मैंने तैयार करके रखा हुआ है और ओवन जो है मेरा प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप चूल्हे पे बेक कर रहे हैं तो 10 या 15 मिनट पहले अपना चूल्हा जला दें दरमियानी आंच पे और उसको गर्म होने दें। ये देखें जी, ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मैदा, मैदा मैं छान कर डालूंगी। हमेशा केक में छाना हुआ मैदा इस्तेमाल करें, छान कर मैदा डालें, इससे आपका बैटर एयरी बनेगा। ये इसमें मैं डालूंगी 2 कप मैदा। आहिस्ता आहिस्ता बैचेस में डाल दें तो आपको मिक्स करने में आसानी होगी, एक साथ डाल देंगे तो उसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होगा और फिर ये होगा कि आपका बैटर ओवर मिक्स हो जाएगा और आपका केक डेंस बनेगा। जब आप मैदा ऐड करेंगे अपने केक में तो उसको आपने बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना होता है, बहुत आराम से, अगर क्यों उसको ओवर मिक्स नहीं करना, उसमें ग्लूटेन डेवलप होने नहीं देना। ये डाल दिया, इसके साथ ही साथ इसमें मैं अपने राइजिंग एजेंट्स शामिल करूंगी। ये इसमें 3 चीजें जा रही हैं, एक तो ये नमक है, सिर्फ 2 चुटकी नमक मैंने रखा हुआ है, ये डालूंगी। इसके साथ इसमें बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा है
वो भी 1 टीस्पून। दो इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीजें मैं ऐड कर रही हूँ, और आपने भी याद से दोनों चीजें ऐड करनी है वरना केक नहीं अच्छा सा बनेगा। और थोड़ा सा नमक है, ये चीजें भी मैं डाल दूंगी मैदे के साथ ही ताकि अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये बाकी का मैदा भी डाल दिया और इसको यहां पर लेंगे छान। ये मेरे बेकिंग सोडा में थोड़े से पीसेस हैं, ये मैंने अलग कर दिए। नमक भी थोड़ा सा मोटा है, वो भी साइड पे निकल गया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिक्स नहीं करना। इसमें साथ ही साथ ये 1 टेबलस्पून वनीला का भी चला गया। बेहद आसान केक है, झटपट बन जाता है और बहुत नरम, बहुत ही मजे का जायकेदार केक बनता है। और ये देखें, आप कह रहे होंगे गाजर केक है तो गाजरे कहाँ हैं, तो ये मैंने 2 कप गाजरे रखी हुई हैं ग्रेट करके, या आप इसको कद्दूकश कह लें। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसको, इस कटिंग का कद्दू से क्या ताल्लुक है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि कद्दू भैया कहाँ से आ गए। तो जनाब ये इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहां पर इसको बैटर को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको यहां पर आप स्पैचुला पे मूव कर लें या इसी से मिक्स कर लें, आपकी मर्जी है। और बस हमारा केक बैटर तैयार है, इसको मैं अपनी बेकिंग ट्रे में उंडेल लूंगी। यहां से मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेती हूं और फिर आपसे मिलती हूं। ये देखें जनाब, इसको मैं मिक्स कर रही हूं स्पैचुला की मदद से। बैटर ये काफी गाढ़ा है, कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें हमारी सारी चीजें शामिल हो चुकी हैं, नीचे तक मैंने मिक्स कर लिया। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी किसी भी स्टेज पे। तो अब इसको मैं अपनी बेकिंग ट्रे में निकाल लूंगी। ये देखें जी, सारा बैटर इसमें चला जाएगा। केक ये नॉर्मल से साइज का है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप इसको हाफ कर सकते हैं। 2 अंडे लें, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वनीला, नमक और 1 कप कद्दूकश गाजरें। कद्दूकश अगर किसी को पता है तो अपने मुझे कमेंट्स में बताना जरूर है। ये देखें जनाब, हमारा केक बैटर रेडी है, ट्रे में चला गया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे, और क्योंकि ये मेरा केक पैन डेप्थ में नहीं है, थोड़ा सा केक बैटर आया साइड्स पे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेंगे बेक होने में। तो आपके केक पैन पे डिपेंड करता है, आपने किस केक पैन में इसको निकाला है तो उसके मुताबिक इसको बेक कर लें। जब तक सेंटर से अगर आप टूथपिक उसमें इंसर्ट करते हैं तो वो क्लीन नहीं निकलती, तब तक आपका केक बेक नहीं होगा। जितना भी टाइम आपका ओवन या स्टोव ले, इसमें आप इसको बेक कर लें। ये देखें जनाब, केक हमारा खूबसूरत सा बेक होकर बाहर आ गया है, और इसके सेंटर में मैंने ये एक स्क्वायर इंसर्ट किया, तो ये बिल्कुल साफ बाहर आया है। और किचन में मेरे कमाल की खुशबू फैली हुई है। अभी इस केक को काटेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। और यकीन जानिए, ये इतना मजे का, इतना सॉफ्ट, इतना खूबसूरत केक बनेगा कि अगर आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई एक बार भी नहीं सोचेगा कि ये आपने खुद बनाया है। तो चलें जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको काटती हूँ और आपको अंदर से दिखाती हूँ। केक अभी भी गर्म है, लेकिन इंतजार मुझसे भी नहीं हो रहा।
गरम केक को काटने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आपका केक बहुत सॉफ्ट होता है स्टेज पे, तो उसको टूटने का ज़रा रिस्क होता है। लेकिन मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये अंदर से, साइड से हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, क्योंकि ये मैं इसी पैन में रखने वाली हूँ, इसमें से निकालने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है मुझे। तो चलें जी दिखाती हूँ मैं आपको, पहला स्लाइस निकालना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये देखें जी, ये है हमारा केक, अभी बहुत गर्म है लेकिन इसकी सॉफ्टनेस अब चेक करें। हाँ, हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा। ये देखें कैसा खूबसूरत इसका टेक्सचर है, और अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।